दोस्तों क्या आपको पता है कि आप 1x बेट से काफी पैसे कमा सकते हो गेम्स खेलकर लाइक फुटबॉल फॉर्मूला 1 और भी बहुत कुछ। पता है इसमें आप ई-स्पोर्ट्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो लाइक डोटा सीएस ओवरवॉच एक्सेट्रा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मेरा बोनस प्रोमो कोड यूज करो और बहुत पैसे कमाओ। ये कहानी है मिल्क वॉकर एम्बेसडर की। मिल्क वॉकर को बनाया है एक कैनेडियन आर्टिस्ट हमारी गोल मटोल ट्रेवर हैंडरसन ने। मिल्क वॉकर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये मॉन्स्टर आपके इमेजिनेशन से कई ज्यादा डेंजरस है। इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक रिचुअल पूरा करके ही बुलाया जा सकता है। रिचुअल पूरा करने के बाद जो होता है उसे हम बस एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, KHAUM। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है वो रिचुअल जिसे पूरा करने पर मिल्क वॉकर अपीयर होता है। स्टेप 1, एक मिल्क के डब्बे को खोलकर उसे सड़ने के लिए छोड़ दें। स्टेप 2, मिल्क के सड़ जाने के बाद जो इंसान इस रिचुअल को कर रहा है उसे अपना थोड़ा सा खून मिल्क के डब्बे में डालना होगा। स्टेप 3, मिल्क के डब्बे को लेकर एक ओक ट्री के नीचे गाड़ दें। मिल्क के डब्बे को कितने टाइम के लिए गाड़ना है ये तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम एक महीना समझकर चलते हैं। याद रहे बताए गए सारे स्टेप्स को बस एक ही इंसान फॉलो कर सकता है, वरना ये काम नहीं करता। स्टेप 4, जो कि इस रिचुअल को पूरा करने का लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपको बस एक ही काम करना है, एक पेपर में अपना नाम लिखकर उस ओक ट्री के पास जाकर उस पेपर को जला देना है। रिचुअल यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद अचानक मिट्टी से मिल्क वॉकर निकलेगा और जिसने इस रिचुअल को पूरा किया है उसके सामने ये खड़ा हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मिल्क वॉकर रिचुअल पूरा करने वाले को ये सवाल पूछेगा। इसके जवाब में सामने वाले को अपना नहीं बल्कि किसी और का नाम बोलना होता है, क्योंकि मिल्क वॉकर उस पर्टिकुलर नाम के इंसान का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ले लेगा। साथ ही उस इंसान को कभी याद नहीं रहेगा कि उसका एक इम्पोर्टेंट सामान खो गया। कहाँ रहते हो तुम? रिचुअल पूरा करने वाले को ये कभी नहीं बोलना है कि वो कहाँ रहता है, बल्कि उसको अगर कहीं जाना है तो वो उस जगह का नाम ले सकता है। ऐसा करने पर मिल्क वॉकर उस आदमी को वो जगह जाने में मदद करेगा। अगर वो अपने घर का सही पता बता दे तो मिल्क वॉकर उसके घर को चला देगा। तुम कहाँ से हो? ये सवाल बिल्कुल इसके पिछले सवाल जैसा ही है, मगर इस बार सामने वाला बिना डरे इसका आंसर दे सकता है। याद रहे मिल्क वॉकर का हर सवाल खतरनाक नहीं होता। आखिरी सवाल, ये सवाल सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका जवाब देना मौत को गले लगाने के बराबर होता है। जवाब में अगर वो रिचुअल करने वाला बंदा अपना नाम बोल दे तो मिल्क वॉकर छोटा बनकर वापस जमीन के अंदर चला जाएगा। फिर वो आदमी को बहुत मन करेगा कि वो गाढ़े हुए मिल्क को निकाल कर पी जाए। अगर वो निकाल कर सड़े हुए मिल्क को पी जाता है तो वो एक मिल्क वॉकर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिलहाल मिल्क वॉकर की ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। इस रिचुअल के बारे में भी बस वही बता पाए हैं जो लोग थैंकफुली बच गए। इसीलिए मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अपने लाइफ की वैल्यू जानते हो तो ऐसी बकचोदी मत किया करो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो।